हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ हमें कंफ्यूज कर देता है कि हमें ये वर्ड लगाना चाहिए कि वो वाला वर्ड लगाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि पहले हम ले रहे हैं आज डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी के बीच में। अब देखो पहला डिफरेंस क्या होता है कि सम कहाँ लगेगा और एनी कहाँ लगेगा। सम लगता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मतलब जो सेंटेंस हाँ कहते हैं, ठीक है, और बिफोर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, वो नाउन जो कि अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उन चीज़ों से पहले, ठीक है। एनी क्या होता है, एनी लगता है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में, नॉट नेवर, जब ये वर्ड्स आते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। और दूसरे नंबर पर बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, जहाँ पे कि नाउन कैसा है, काउंट कर सकता है, मतलब हम जिस चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नोट्स हैं या हमारे पेजेस हैं, पेजेस को काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं। तो जिनसे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके आगे पहले क्या लगेगा, एनी, मगर वो क्या होना चाहिए सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल लेंगे तो उसे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, आई हैव डैश ऑयल, मेरे पास कुछ तेल है। तो अब देखो ऑयल कैसा है, काउंटेबल तो नहीं है, अनकाउंटेबल है, और सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में दे रहा है, हाँ मैं बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सम, आई हैव सम ऑयल। दूसरा सेंटेंस ले लो, देयर इज डैश मिल्क इन द जग, देयर इज डैश मिल्क इन द जग का ना थोड़ा सा दूध है किसके अंदर, जग के अंदर। आप देखो मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसको काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ और सेंटेंस भी क्या है, पॉजिटिव में जा रहा है, देयर इज, हाँ है थोड़ा सा दूध के है, जग में है, तो क्या लगेगा, सम। अब तीसरा एग्जांपल ले लो इसी तरह से, ही डज नॉट हैव डैश प्रॉब्लम। अब नॉट लग गया देखो सेंटेंस में, नॉट का मतलब नेगेटिव हो गया सेंटेंस, जब नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस तो आपको पता है क्या लगाना है, एनी, तो ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देखो इसी का यूज़ जो है, सम और एनी का यूज़ जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यही सेम चलेगा, जैसे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, पहला सेंटेंस से देखो, इज देयर डैश मिल्क इन द जग, क्या जग में थोड़ा सा दूध है। आप देखो सेंटेंस में क्या आ रहा है, जवाब हाँ में आएगा ना, इज देयर, नो में तो नहीं आ रहा ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे, सम, इज देयर सम मिल्क, मिल्क क्या है यहाँ पे, काउंट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे, सम, इज देयर सम मिल्क इन द जग। अब दूसरा सेंटेंस देखो, हैव यू डैश स्पेयर पेन, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेयर पेन है, पेन को आप काउंट कर सकते हो, आप पूछ रहे हैं ना, तो हम पेन को काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हैव यू एनी, क्या लगाएंगे जब हम पेन को काउंट कर सकते हैं, जब काउंटेबल चीज़ें भी होती हैं तो हम क्या लगाते हैं, एनी, तो हैव यू एनी स्पेयर पेन, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेयर पेन है। अब देखो थर्ड, विल यू प्लीज लेंड मी डैश मनी, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे लेंड कर सकते हो, तो देखो विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी, पॉजिटिव में ना, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे, मतलब तुम्हें हाँ में जवाब आने का है कि क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो, जब हाँ में जा रहा है तो क्या लगाओगे, सम। इसी तरह से आई हैव नॉट डैश शुगर, आई हैव नॉट डैश शुगर, क्या सम लगाओगे कि एनी, नॉट लग गया देखो यहाँ पर, तो क्या बन गया सेंटेंस, नेगेटिव बन गया। जब सेंटेंस नेगेटिव बन जाए, आई हैव नॉट डैश शुगर एनी शुगर, जब नॉट आ गया तो क्या लगाओगे, सम नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, एनी, आई हैव नॉट एनी शुगर, ठीक है। तो अब ये नहीं होता कि कई बार ऐसा भी होता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एनी लगाना पड़ता है, सम लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि आई हैव नॉट सम शुगर, कि आई हैव नॉट, क्या लगाना है आपको, एनी शुगर, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में। आगे देखो इसी तरह से हम कुछ और वर्ड्स लेते हैं, इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। जैसा वर्ड है पहला हमारा ईच अदर ले लिया हमने, और वन अनादर ले लिया। आप देखो ईच अदर और वन अनादर के बीच में क्या डिफरेंस है। ईच अदर का मतलब होगा जब हमेशा हम किसकी बात करेंगे, दो पर्संस या चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन दिखाएंगे दो पर्संस या थिंग्स के बीच में। और जब हम दो से ज़्यादा लोग हों
रिलेशनशिप किसके बीच में हो, अमंग थ्री पर्सन्स और पर्सन्स और थिंग्स, तीन से ज्यादा लोगों या चीजों के बीच में जब रिलेशन होगा तो हम लेंगे वन अनादर। ये बहुत इजी है, सिंपल है। पहला एग्जांपल इसका, सुषमा एंड मधु क्वारल विद डैश। सुषमा और मधु दो जने हैं, जब दो जने होंगे तो क्या लगाओगे आप, ईच अदर। जब दो के बीच में होगी बात तो किसका रिलेशन हो, जब दो के बीच में रिलेशन है तो ईच अदर, ठीक है। अब इसी तरह से इसी को आगे समझ लो, सुषमा मधु एंड अनुराधा कितने जने हो गए, तीन। जब तीन जनों की बात हो गई तो क्या लगाओगे, अपने आप ऑटोमेटिकली क्वारल विद वन अनादर। जब ज्यादा की बात हो गई दो से तो क्या लगेगा, वन अनादर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा इजी वो है। आगे देखो, इसी के बाद जो है हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन आइदर, आइदर और नाइदर के बीच में। आइदर का वर्ड का यूज क्या होता है और नाइदर कहाँ लगता है। आइदर हमेशा तब लगेगा जब वन और बोथ ऑफ द टू, मतलब कि जब एक की बात करें कि तुम्हें कोई चीज लेनी है, या तो वो एक ले लो या दोनों, एक या दोनों, ठीक है। और नाइदर का मतलब होता है नो वन आउट ऑफ द टू, कि दोनों में से ही कुछ नहीं, दोनों में से ही कुछ नहीं। और एनी, इसमें भी एनी आता है। एनी कब लगेगा, अगर आपको कुछ चॉइस करनी है चीज़ों में से, कुछ चीज़ें हैं उसमें से आपको चॉइस करनी है, और मगर वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, जब दो से ज़्यादा चीज़ें हों और आपको चॉइस करने के लिए कहें तो आपको क्या लगाना है, एनी, ठीक है, तब आइदर नहीं चलेगा। अब एग्जाम्पल देखनी है, पहले एग्जाम्पल देखो, देयर आर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। पेड़ है सड़क के दोनों किनारे, दोनों किनारे सड़क के क्या है, पेड़ लगे हुए हैं। तो आप देखो दोनों तरफ लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगाना है, बताया ना, आइदर क्या होता है, आइदर वो होता है वन और बोथ ऑफ द टू, मतलब दोनों तरफ कोई चीज़ है या एक ही तरफ चीज़ है। अब दोनों तरफ है, बोथ साइड है पेड़ सड़क के, तो क्या लगाओगे, आइदर। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आप देखो सेकेंड, आई शेल सपोर्ट डैश रवि और गोपाल। अब मैं सपोर्ट करूंगी किसको, रवि को या गोपाल को। तो किस क्या लगाओगे, जब दोनों में से एक चीज है वन, दो में से एक चीज है तो क्या लगाना है, आई शेल सपोर्ट आइदर, आइदर रवि और गोपाल। और आइदर के यहाँ पे वैसे भी इसलिए लगेगा क्योंकि आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, और आइदर के साथ हमेशा और। थर्ड सेंटेंस, कविता बिलोंग्स टू डैश ग्रुप। कविता बिलोंग्स करती है, अब देखो इसमें किसी की बात नहीं हो रही कि किसी भी ग्रुप को वो बिलोंग करती है। कविता बिलोंग्स टू, दो की भी बात नहीं हो रही, किसी की बात नहीं हो रही, जब दो की भी बात नहीं हो रही है तो क्या कहेंगे हम, कविता बिलोंग्स टू नाइदर ग्रुप, किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, कविता बिलोंग्स टू नाइदर ग्रुप। आगे देखो अगला, फोर्थ सेंटेंस, यू मे चूज डैश साड़ी यू लाइक। अब देखो तुम चुन सकती हो कोई भी साड़ी जो तुम्हें पसंद है। आप देखो इसमें क्या है, बहुत सारी साड़ियाँ, यहाँ तो दो साड़ी की बात नहीं हो रही है ना, जब चुनने की बात है और बहुत सारी साड़ियाँ हैं तो आप आइदर तो लगा नहीं सकते क्योंकि आइदर लगता है दो के लिए, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, यू मे चूज एनी साड़ी यू लाइक, कोई भी साड़ी को आप पसंद कर सकते हो, तो एनी, क्योंकि दो की बात नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ आइदर, नाइदर और एनी के बीच में। आप देखो इसी तरह से हम करते हैं आगे, नेक्स्ट पे अब हमारा आता है ईच अदर हो गया, अब एनी हो गया, अब करते हैं हम एक एग्जांपल और, यू मे टेक डैश ऑफ द टू। तुम ले सकते हो दोनों में से कोई भी, अब दो की बात हो गई तो क्या आएगा, जब दो की बात हो तो आइदर, एनी तो नहीं लगेगा ना यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे नहीं है, जब दो हैं तो सीधी बात आइदर, टू दो चीज़ें हैं तो आइदर, यू मे टेक आइदर ऑफ द टू, ठीक है, क्लियर है। आप देखो आगे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन मैनी और मैनी ए। मैनी का मतलब लार्ज नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से ढूंढना है, ठीक है। और ये किसके पहले यूज़ होता है, एक कॉमन नाउन के यूज़ होता है, जब कॉमन नाउन होगा कोई, जैसे बॉय गर्ल, ठीक है, बैग,
ये कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन नाउन होती हैं, उनसे पहले क्या लगता है मैनी का यूज़ होता है। अगर मैनी की जो है वो जो कॉमन नाउन हो उनके आगे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। अभी देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और मैनी ए के बारे में बात करें तो मैनी ए बिल्कुल ये भी ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें हों, लार्ज नंबर हो, ये भी यूज होता है किससे पहले, कॉमन नाउन से पहले, ठीक है। मगर ये डिफरेंस है, ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। मैनी ए के बाद जो कॉमन नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। पहला एग्जांपल देखो, देयर आर मैनी फ्लावर प्लांट्स इन द पार्क। बहुत सारे क्या हैं, फ्लावर प्लांट्स हैं पार्क के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, देखो मैनी, मैनी क्यों हैं, बहुत सारे। जब बहुत सारे होते हैं और जिनको हम गिन भी सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो क्या लगता है, मैनी। देयर आर मैनी फ्लावर प्लांट्स इन द पार्क, बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स हैं। अब देखो जो फ्लावर प्लांट्स हैं वो कॉमन नाउन है और प्लांट्स किस में आ गए हमारे, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, मैनी। अब दूसरे एग्जांपल को देखो, जैसे देयर आर डैश, समझ लो यहाँ पे क्या है, डैश है, फ्लावर विच फेड्स अनसीन। देयर आर मैनी या मैनी ए फ्लावर विच फेड्स अनसीन। अब देखो फ्लावर क्या है, कौन सा कॉमन नाउन है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है और ये काउंट कर सकते हैं तो डिफरेंस लगाना होगा आपको। अगर मान लो बीच में दे रखा है मैनी लगा सकते हो या मैनी ए लगा सकते हो, तो आप क्या लगाओगे, मैनी लगाओगे कि मैनी ए लगाओगे, तो क्या लगाओगे। सिंपल बात है कि आप जो है यहाँ पे क्या लगाओगे, जब फ्लावर सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, मैनी ए। देयर आर मैनी ए फ्लावर विच फेड्स अनसीन। बहुत सारे फूल हैं जो ऐसे ही फेड हो जाते हैं बिना दिखे ही, जिनको हम देख ही नहीं पाते और ऐसे ही फेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है आपको हमेशा हर लेवल पे काम आएंगे यूज़ करने में। कहीं से एरर्स होती हैं सेंटेंसेस में, उसमें देखने में, चाहे लेवल आपका छोटी क्लास का हो चाहे बड़ी का या कंपटीशन लेवल हो, तो ये वर्ड्स का यूज़ आना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू वंस अगेन।